नमस्कार दोस्तों, डे 10th आ गया देहरे नाम की एक टारगेट सीरीज का, जो इंग्लिश वाला एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट की थी मैंने। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डे 10 के टारगेट्स देहरे के कंप्लीट करना है। देहरे जो है वो इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है, और एक चैंपियन नाम की सीरीज मैथ्स वालों के लिए 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि उसको मैं पूरा अच्छे से फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, इसीलिए। तो आप डे 10 के टारगेट्स नोट कर लें। सबसे पहले उठते से आप कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें आप 15 एडिशन करेंगे, 15 मल्टीप्लीकेशन करेंगे। गलत बोल दिया मैंने, ये इंग्लिश की सीरीज है तो वोकैब होगा यहाँ पे। 40 से 45 की वोकैब एंटो सिनो इडियम वनवर्ड स्पेलिंग किसी भी हालत में आपको करनी है। रीडिंग कंपलसरी आधे घंटे की है। जिसको भी डाउट है ना क्या रीडिंग करनी होती है भैया, वो मेरे एक बार रीडिंग वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि रीडिंग किस तरीके से की जाती है और क्या रीड करना होता है। ठीक है, आगे निमिषा बंसल मैम की आधे घंटे की और वीडियो देख लेना, 3.5 घंटे की वीडियो वो कंप्लीट हो जाएगी। इतना करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करना है और टेलीग्राम पे फोटो जरूर डालना है। जितने भी बच्चों ने मेरी सीपीओ की सीएचएसएल की सीरीज फॉलो करी थी, बहुत बच्चों का फायदा हुआ है, बहुतों का नहीं भी हुआ है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बस कंसिस्टेंटली फॉलो करें सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।